ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रेसलर योगेश्वर दत्त अब सक्रिय राजनीति में उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में बड़ौदा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। योगेश्वर दत्त 11 दिसंबर 1982 को हरियाणा के सोनीपत में जन्मे। वे भारत के कुछ बेहतरीन पहलवानों में से एक हैं। उन्होंने साल 2003 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। योगेश्वर जब छोटे थे तभी से उन्हें रेसलिंग में दिलचस्पी थी। जब वे 8 साल के थे तभी से रेसलिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1998 से ही जूनियर लेवल पर रेसलिंग शुरू कर दी थी। योगेश्वर ने 15वें एशियन गेम्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। योगेश्वर अपने गांव के बलराज पहलवान से काफी प्रभावित थे और उनसे ही प्रेरणा लेते थे। कोच रॉल्फ ने योगेश्वर को ट्रेनिंग दी और उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया। तो वहीं योगेश्वर दत्त ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2003 में स्वर्ण पदक जीता। दोहा में साल 2006 में आयोजित 15वें एशियन गेम्स में 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। एशियन चैंपियनशिप 2008 में स्वर्ण पदक जीता। साल 2012 की लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में स्वर्ण पदक जीता और योगेश्वर दत्त को साल 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। न्यूज़ डेस्क।